ताकि सुनने वाले को भी दे लगे कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। भातवीर जी, आज आप वोटिंग करने गए थे, तो आज आपके साथ क्या व्यवहार हुआ वहाँ पे, क्या आपको जाकर मालूम हुआ वहाँ पे? भाई साहब जी, हम सुबह 4:30 बजे उठे थे ताकि पहली वोट हम डालनी चाहते थे, और हमने कहा था कि हम पहली वोट डालेंगे आंखें बंद करने के बाद। आंखें बंद करने के बाद में बटन दबा दिया जाएगा, जिस बटन को दबा दिया जाएगा वो आदमी तुरंत निकल जाएगा, यानी कि वही आदमी आएगा, उसमें लेडीज और जेंट्स इस चीज़ का डिसाइड नहीं किया था। जिस बटन पर हाथ रखा जाएगा वो आदमी निश्चय हो जाएगा। तो आज आप 4:30 बजे गए थे, तो आपने वहाँ पर जाके 4:30 बजे उठने के बाद में हम 5:30 बजे पहुँचे। 5:30 बजे पहुँच कर क्या किया आपने वहाँ पे? हमने उनसे पूछा कि भाई साहब पोलिंग 6 बजे खुलेगा किस टाइम खुलेगा? उन्होंने कहा कि 7 बजे पोलिंग खुलेगा, इससे पहले नहीं खुलेगा। हाँ, 7 बजे खुलता है। इसके बाद क्या हुआ? हमने कहा कि कोई बात नहीं है जी, अच्छी बात है, हम 7 बजे ही आपकी वोटिंग पे तैनात रहेंगे। इधर उधर चार तरफ चलते रहे, स्कूटर में घुमाते रहे, भाई देखो शांति का वातावरण बना रहे। बाबा क्या हुआ? सुनो, शांति का वातावरण बना रहे, इस प्रकार से हम सर्विस पे आप लोगों की सेवा में चलते रहे। जो कि हमें किसी चीज़ की अथॉरिटी पावर नहीं थी हमारे पास में, कार्ड का भी बेटा थी, फिर भी हम उस ऊपर वाले की पावर लेते हुए आप लोगों के बीच में पहुँचे। जगह जगह मतदानों पर हम पहुँचे, वोट तो हमारी नहीं पड़ी। क्यों वोट क्यों नहीं पड़ी आपको? क्योंकि हम पहली वोट डालना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों भाई साहब जी? देखो, उनके कुछ नियम होते हैं, मुझे ये जानकारी नहीं थी। आधार कार्ड का नंबर तो था, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड मांगा, मैंने कहा चलो बटे छोटी कर रहा हूँ, चलो। तो क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? तो कोई बात नहीं, हमने उनके नियम का पालन किया, वोट तो हमने नहीं डाली, पर्ची पाड़ के फेंक दी थी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ज्वाला भड़कती है वो ऊपर वाला संभाल सकता, हर किसी की ताकत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जी, उस मालिक की मर्जी चलती है। और जगह जगह मतदान पर पहुंचे, हमने देखा लाइन की व्यवस्था बनवाई, सिक्योरिटी कैसी थी, सिक्योरिटी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, कोई तो नहीं चल रहा, कोई दो नंबर चल रहा था। वोट आप किसको देते यदि आप मतदान करने जाते, तो आप मतदान किस पे निशान लगाते हैं? हमने कहा था कि आंखें बंद करके बटन दबाएंगे। आंख बंद करके वोट, ऐसी वोटिंग कैसे होती है? क्योंकि तीसरा नेत्र खुलता है, हर किसी का नहीं खुलता है। नहीं, मोदी को देते हैं। कहने का मतलब यू है कि आपकी वोट कमल के फूल पे गई भाई, जिस पे भी जाती वो तो उन्हें मालूम है। नहीं, उन्हें क्या मालूम हो जाता भगवान को? भगवान नीचे जब तुम वोट देंगे भगवान क्या दवा देगा जी? सुनो, भेजने वाला तो वही है आज ही, हम तो मेरे भेज देगा। इनका कहना है कि मेरी तीसरी आंख जो है कमल के फूल पर खुली थी, तो इन्होंने कमल का बटन दबाया। खेल जो था तीसरे नेत्र वाला था, हमारा नहीं था, हम अपनी मर्जी से नहीं चलते थे, ऊपर वाले की मर्जी से चलते थे। हमने क्यों सेवा करी लोगों की, किस लिए करी? हमें कोई लोभ लालच था क्या किसी से? चलो, जो आज आपके साथ हुआ तो इसके बारे में आप कल क्या करना चाहेंगे? आज आपका दिन कैसे व्यतीत हुआ? सारी इंक्वायरी ले लें। अब मैं महारानी के दरबार में कल जा रहा हूँ और पहुँचूंगा, अवश्य पहुँचूंगा। आपका संदेश बुआ जी तक पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने के बाद में उस महारानी को याद किया जाएगा और धरती भाई बीच में नहीं बोला करते, जो बीच में बोला गया उन्होंने महारानी को, जो कलकत्ते से आने वाली माँ काली, उन्हें बुलाने के बाद में मैं वो चीज दिखाऊंगा जिसे देख करके दुनिया दंग हो जाएगी। क्या दिखाओगे? वो चमत्कार तैयार करूंगा ताकि देखने के बाद में सब लोगों की आंखें खोल दूंगा। उस चमत्कार का प्रूफ है आपके पास? प्रूफ आने वाली शक्ति बताएगी, सबको हिला के जाएगी और ये झटका आप लोगों के पास में ही पहुंचाएगी। आपका वीडियो बन रहा है, जो जनता वीडियो देखेगी उसको कैसे यकीन होगा कि आप कुछ कुछ दिखाने वाले? हाँ बिल्कुल, वो चमत्कार जब होगा तब आपके पास में वो वीडियो पहुंचा दी जाएगी सभी के पास में। चमत्कार को ही नमस्कार कहते हैं।